नमस्कार, मैं प्रियरंजन और आप देख रहे हैं ट्रेडर्स ड्रीम। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे अडानी इंटरप्राइजेज स्टॉक के बारे में। ओवरऑल इस स्टॉक को लेकर के जो ट्रेंड है वो काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि इसके Q4 के जो नंबर रहे वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग नंबर्स आते हुए दिखे हैं। इस स्टॉक में इस समय क्या करना चाहिए, ये काफ़ी क्वेरी है, तो एपिसोड में आगे डिस्कस करें। इससे पहले आई होप कि आपने प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया है जो कि बिल्कुल फ्री है। साथ में वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे अगर आपको एक्टिव ट्रेडिंग कम्युनिटी ग्रुप और लर्निंग ग्रुप से जुड़ना है। चाहे तो आप 1500 के मंथली सब्सक्रिप्शन के द्वारा हमारे ऑप्शन के जो सजेशन हैं, जो स्टॉक सजेशन है, जुड़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे लिंक से अकाउंट ओपन नहीं करा है तो कर लें, जिससे कि आपको एक्टिव ट्रेडिंग कम्युनिटी ग्रुप और लर्निंग ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। यहां देखेंगे तो इस समय 1940 का प्राइस स्टॉक में ट्रेड होते दिख रहा है। इसके जो Q4 के नंबर्स रहे वो काफी आउटस्टैंडिंग नंबर कंपनी ने डिक्लेयर करा। इसके साथ ही यहां देखेंगे तो बिलियनर गौतम अडानी री अपॉइंटेड एज अडानी इंटरप्राइजेस एग्जीक्यूटिव चेयरमैन फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, जो कि अगेन एक ब्रेकिंग न्यूज है और बड़ी खबर है। इसके रिजल्ट ऑलरेडी हमने देखे। यहाँ देखेंगे विजाग के अंदर कंपनी जो है टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बना रही है। द पार्क विल होस्ट 30 मेगावाट ऑफ डाटा सेंटर कैपेसिटी पावर्ड विद अप टू 100% रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बिजनेस पार्क बनाया गया है, जो कि काफ़ी बेहतर न्यूज है। यहाँ देखेंगे तो इसके रिजल्ट के इर्द गिर्द ही सभी न्यूज़ ट्रेंड होते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल जो ट्रेंड है वो काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन जो डिलीवरी है अभी भी मिसिंग है। रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहे, टेक्निकल ट्रेंड पिछले 3 मंथ से आउटस्टैंडिंग रहा है और इस समय एज पर माय ओन एक्सपीरियंस यहाँ देखेंगे तो किस प्रकार से कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन हुआ। ये जो ब्रेकडाउन दिखा था ये हिंडनबर्ग के न्यूज़ के कारण रहा। अगेन इसने 1000 तक के लोअर लेवल्स को भी टच करे, वी शेप रिकवरी हुई और इस समय अगेन कंसोलिडेट कर रहा है। तो ध्यान रखेंगे 1962,000 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो एक बड़ा टारगेट भी दिखेगा। यहाँ से हमने क्या कहा था, पहला जो आपको टारगेट दिखेगा वो 2250-230 का टारगेट दिखेगा और उसके बाद 3000 तक के लेवल्स दिखेंगे। जो ऑप्शन ट्रेडर हैं 2000 के लेवल को ब्रेकआउट करने दे, इसके ऊपर चाहे तो 1900 से लेकर के 2000 के बीच के कॉल की बाइंग कर सकते हैं। इस समय थोड़ा कॉशन रहने की ज़रूरत है।